अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 पाक स्टडी इन इंग्लिश लेक्चर नंबर 40 पार्ट 1 यूनिट नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 टुडे वी विल स्टार्ट द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट नंबर 8 लुक एट हियर दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ यूनिट नंबर 8 यू डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट पोइट्स के मुख्तलिफ मुदरजा जैल मुख्तलिफ पोइट्स के जो काम हैं एंड द प्रोज राइटर्स और नसर निगार के जो काम हैं विद रेफरेंस टू लैंग्वेजेस अपनी ज़ुबानों के लिहाज से उनको बयान करें. नंबर वन ए इज़ बलोची, बी इज़ पश्तो एंड सी इज़ कश्मीरी. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट बलोची. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 113. लुक इट हियर, इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम हियर फ्रॉम पश्तो लैंग्वेज एंड बलोची. नंबर पॉइंट बी इज़ बलोची एंड नंबर सी इज़ कश्मीरी. सो इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 113 अप टू पेज नंबर 116 अप टू ही इज़ द आंसर ऑफ दैट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज़ द एंड ऑफ द कश्मीरी लैंग्वेज. यू पुट हियर द मार्क एंड राइट ऑन हियर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8. So now today in the first part of lecture number 40 we will read here Pashto language about Pashto language. Put your mark and write down a long question number 8. It is started from here from Pashto. Pashto or Pakhto is spoken in the province of Khyber Pakhtunkhwa. कि Pashto और Pakhto जो है वो बोली जाती है कौन से सूबे में? Khyber Pakhtunkhwa के सूबे में. It's traces its origin to Bakht or Bakht an area in Afghanistan about the 5000 years ago. तकरीबन 5000 साल पहले अफ़गानिस्तान के इलाके में ये बख्त और जिसको बख्त कहा जाता है इसके ओरिजिन उसका जो इब्तदा वहाँ से होती है. इन दिस कनेक्शन इस लिहाज से द स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज इस ज़बान को बोलने वाले आर कार्ड कहलाते हैं पश्तून. उनको हम पश्तो कह पश्तून और पख्तून वो कहलाते हैं. यदि जो पश्तो लैंग्वेज बोलते हैं उन पश्तो लैंग्वेज बोलने वालों को पख्तून कहा जाता है या पश्तून कहा जाता है. लेटर रिप्लेस्ड बाय पख्तो और पश्तो. बाद भी ये नाम जो थे इसकी जगह ले ली किसने? पख्तो और पश्तो ने. लाइक अदर लैंग्वेजेस दूसरी ज़ुबानों की तरह लिटरेचर इन दिस लैंग्वेज बिगिन इन पोइट्री. तो लिटरेचर अदब जो है इस ज़ुबान में बिगिन शुरू हुआ पोइट्री की फॉर्म में, पोइट्री की शायरी की शक्ल में. द फर्स्ट बुक ऑफ प्रोज की नसर की जो पहली किताब थी इट वॉज़ रिटन इन द लास्ट डेकेड. ये लिखी गई थी आखिरी अशरे में ऑफ 18 सेंचुरी 18वें अशरे की 18वीं सदी की 18वीं सदी के आखिरी अशरे में प्रोज की पहली किताब लिखी गई थी. द नेम ऑफ दिस बुक इज़ पाटा कागज़ खजाना. पाटा खजाना जो नाम है इसका जो है वो है पाटा खजाना. बाई द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी के 13वीं सदी के आखिर में पश्तो लिटरेचर हैड एब्जॉर्ब्ड द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. के पश्तो जो लिटरेचर था हैज़ एब्जॉर्ब द एक्सटर्नल लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंसेस. इसमें जो ज़ुबानी जो असरात हैं वो भी पाए जाते हैं. द यूज़ ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन वर्ड्स कैन बी सीन इन दिस. क्योंकि इस ज़ुबान में अरेबिक अरबी और जो पर्शियन जो है उस उन अल्फाज को भी देखा जा सकता है. यानी वो अल्फाज भी अरबी और पर्शियन जो पर्शियन के जो वर्ड्स हैं वो भी इस लैंग्वेज में पाए जाते हैं. देयर आर द 3 एक्सेंट्स इन द पश्तो लैंग्वेज. पश्तो ज़ुबान के 3 एक्सेंट 3 लहजे हैं. वन एक्सेंट इज़ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स. जो पहला लहजा है जो पहला एक्सेंट है वो बोला जाता है शुमाल मशरक़ी इलाके में एंड द सेकेंड ऑफ साउथ वेस्ट रीजन. और दूसरा जो है वो जुनूब मगरबी इलाके में बोला जाता है. एंड और जो थर्ड एक्सेंट इट इज़ ऑफ द ज़ई ट्राइब. वो ज़ई कबीले का एक्सेंट है. दीज आर द 3 एक्सेंट डेट इज़ गिवन हियर अबाउट पश्तो. सो बेसिकली बुनियादी तौर पर द ओनली डिफरेंस बिटवीन द 3 इज़ ऑफ प्रोनंसिएशन. द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 एक्सेंट इज दैट ऑफ प्रोनंसिएशन. यानी तीनों एक्सेंट्स के दरमियान जो फ़र्क है डिफरेंस है वो किस चीज़ में पाया जाता है? उसकी प्रोनंसिएशन में, इसकी अदायगी में. अमीर खुसर अमीर करोर इज़ थॉट टू बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नज़म. कि अमीर करोर जो था वो पहला शायर नज़म का पहला शायर है जिसने नज़म लिखी इन द पश्तो लैंग्वेज. पश्तो लैंग्वेज में
एंड रिसर्च फाउंड एंड ओल्ड राइटिंग्स, और जो तहकीकात है उसमें पाई जाती हैं पुरानी जो है एन ओल्ड राइटिंग तस्करातुल औलिया, उसमें जो पुरानी जो तहरीर है वो पाई जाती है तस्करातुल औलिया कंप्राइजिंग 1200 पेजेस जो कि 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फ्रॉम विच इट कैन बी डिड्यूस डेट द पश्तो पोइट ऑफ दिस इरा ऑल्सो ट्राइड देयर हैंड्स एट द हमदो नात फॉर्म्स। इसे इस बात का पता चलता है कि पश्तो जो शोरा थे उन्होंने भी जो तो बहुत हद तक जो थी उन्होंने जो थी वो लिखी हमदो नात जो है इन अशकाल पर भी बहुत काम किया। इन महमूद गजनवी इरा महमूद गजनवी का जो दौर था उसमें अ पर्सन नेम्ड सैफुल्ला, एक शख्स जिसका नाम सैफुल्ला था, ही एक्चुअली प्रिपेयर्ड पश्तो अल्फ़ाबेट, उसने तैयार किए पश्तो के अल्फ़ाबेट जो थे हरूफ तहजी विट इज़ स्टिल इन यूज़ जो कि अभी तक इस्तेमाल में है। और ये किसने किए थे? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सैफुल्ला। द टॉपिक वर्थ मैंशनिंग जो काबिल ज़िक्र जो काबिल बयान जो टॉपिक जो उनवानात हैं विच फीचर प्रोमिनेंटली जिसकी फ़ीचर्स जिसकी खसूसियात बहुत नमाया है पश्तो पोइट्री में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? वो टॉपिक्स हैं अबाउट लिबर्टी आज़ादी के बारे में, ऑनर इज़्ज़त के बारे में, वार और जंग के बारे में एंड मिस्टिसिज्म इज़ मेंशन टू, और इसमें तसव्वुफ भी का भी बयान है। मौला मस्त इज़ एक्नॉलेज्ड द लीडर इन दिस फॉर्म, और इस सिलसिले में जो मौला मस्त को एक्नॉलेज किया जाता है तस्लीम किया जाता है एक लीडर के तौर पर रहनुमा के तौर पर इसमें। एंड खुशहाल खां खटक इज़ अ ग्रेट पश्तो पोइट, और खुशहाल खां खटक जो हैं वो भी एक बहुत अजीम पश्तो के शायर हैं। इन हिज पोइट्री अपनी शायरी में खुशहाल खां हैज़ रिटन अबाउट डिफरेंट फील्ड्स के अपनी शायरी में खुशहाल खां खटक ने लिखा है मुख्तलिफ शोबों के बारे में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में। द प्रोमिनेंट टॉपिक्स इन दिस इन देम आर लव ऑफ क्रिएटर, कि जो नुमाया जो टॉपिक जो उनवानात हैं उनकी शायरी के वो है लव ऑफ क्रिएटर यानी तख्लीक करने वाले के लिए प्यार एंड द लव ऑफ अ फेलो ह्यूमन बींग और इंसानों के लिए प्यार, मिस्टिसिज्म तसव्वुफ बिहेवियर रवैया लिबर्टी आज़ादी एंड ब्रेवरी और बहादुरी, ये सारे टॉपिक उनवानात ये सारे जो टॉपिक्स थे उनवानात थे खुशहाल खां खटक की पोइट्री के। द सेकेंड ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ पश्तो लिटरेचर, और पश्तो लिटरेचर पश्तो अदब का जो दूसरे अजीम शायर थे पहले तो थे खुशहाल खां खटक, दूसरे जो थे वो थे रहमान बाबा एंड द हम्बल पोइट, ये जो पोइट थे ही वॉज ऑल्सो इमर्स्ड इन मोड ऑफ रोमांस एंड मिस्टिसिज्म, वो हमेशा इमर्स्ड में गर्क रहते थे वो किसके वो मूड में ऑफ रोमांस के इश्क आशिकी के और तसव्वुफ के मूड में हमेशा गर्क रहते थे। एंड द सेम आर द टॉपिक्स, और यही तकरीबन यही जो उनवानात हैं ऑफ इस पोइट्री जो ऊपर बयान किए गए उनवानात जो टॉपिक्स ये बयान किए गए हैं ये सेम टॉपिक जो हैं ये रहमान बाबा की पोइट्री के भी टॉपिक हैं। अकॉर्डिंग टू हिम उनके मुताबिक रोमांस इज़ द रीज़न, किश्क आशिकी ही जो है वो वजह है फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन तख्लीक की ऑफ द यूनिवर्स कायनात की तख्लीक की वजह है। रहमान बाबा होल्ड्स अ हाई पोजीशन, रहमान बाबा जो है रखते हैं बहुत ही हाई पोजीशन आला मुकाम इन द पश्तो सोसाइटी पश्तो मुआशरे में। द स्टाइल ऑफ खुशहाल खां खटक एंड रहमान बाबा इज़ लाइक अ लाइमस्टोन, कि खुशहाल खां खटक और रहमान बाबा जो का जो स्टाइल था लिखने का पोइट्री इट इज़ लाइक अ लाइमस्टोन, ये संगे मील की हैसियत रखता है इन पश्तो लिटरेचर पश्तो अदब में। एंड इट्स इम्प्रेशन कैन बी फाउंड इन द पोइट्स डेट केम लेटर, और इसके जो इम्प्रेशन जो तासुर है इनकी शायरी का ये जो बाद में आने वाले शायर हैं उनके काम में भी पाया जाता है उनकी पोइट्री में भी पाया जाता है। इन पश्तो लिटरेचर फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग लोक गीत जो है और ऑल्सो अनपैरेलल्ड एसेट्स वो भी बेमिसाल एसेट विरसा है। पश्तो लिटरेचर हैज़ मैनी फैसेट्स, के पर्सन लिटरेचर्स के बहुत से फैसेट्स बहुत से पहलू हैं बट चारबीता टप्पा लमकाई एक्सेट्रा आर वेरी फेमस फॉर्म्स, लेकिन इसमें चारबीता टप्पा और लमकाई जो है बहुत ही मशहूर इसकी इकसाम हैं। सम पोइट्स हैव मेड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग्स, तो कुछ शुरा ने मुख्तलिफ किस्म के लोकगीत जो हैं वो लिखे हैं। द टॉपिक ऑफ द पोइट्री और जो उनकी शायरी के उनवानात हैं दिस पोइट्स इंक्लूड नूरुद्दीन मौला, नूरुद्दीन इसमें शामिल है, इन शोरा में शामिल है नूरुद्दीन मौला मकसूद एक्सेट्रा,
पश्तो प्रोज स्टार्टेड डेवलपिंग इन द 20th सेंचुरी कि पश्तो प्रोज जो थे इसमें तरक्की होना शुरू हुई 20वीं सदी में आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन जदीद तलीम के ज़ेर असर द राइटर्स मुसन्नफ़ पोजेस्ड न्यू आइडियाज़ जो कि रखते थे नए नए ख्याल आइडियाज़ एंड थाट्स जो नए नए ख्याल रखते थे सोच रखते थे डिड प्रोमिनेंट वर्क उन्होंने बहुत ही नुमाया काम किया इन राइटिंग अ पश्तो डिक्शनरी पश्तो डिक्शनरी लिखने में ग्रामर राइटिंग पे उन्होंने बहुत काम किया बायोग्राफी पे बहुत काम किया स्टोरी राइटिंग में यानी कहानी लिखने में बहुत काम किया इसके अलावा नावल और ड्रामा निगारी में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया सो इन पार्ट वन लेक्चर नंबर 40 वी विल रीड अप टू हियर यू आर टू लर्न दिस बाय हार्ट